हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रक्षाबंधन स्पेशल थाली, जो झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं बस 40 मिनट में। तो ये खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। ये भी हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिए, रफली चॉप किए, हरी मिर्च लिए, आप हरी मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर एक मीडियम साइज का ये हमने टमाटर लिया, रफली चॉप किया हुआ, दो गार्लिक लिए, एक इंच अदरक का टुकड़ा, इन सारी चीजों को ले लिया। फिर इसमें पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। फिर इसके डालेंगे ये क्यूब में कटे हुए 200 ग्राम के करीब पनीर, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये भी हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के एक ठंडे पानी के बॉल में डालेंगे, जिससे कि पनीर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहता है। तो इसमें अब ये रफली चॉप की और सारी चीजों को डाल देंगे। इसमें 5 से 6 काजू डालें, इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही ज्यादा क्रीमी और थिक बन के तैयार होती है। फिर प्याज को हमें जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें पका लेना है, जब तक ट्रांसलूसेंट ना हो जाए प्याज, आप ढक के भी पका सकते हैं। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तब तक इधर हम रायता बना के तैयार करते हैं। ये भी हमने 1 कप दही लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। और फेंटने के बाद फिर इसमें डालेंगे बूंदी, आप जिस चीज का रायता बनाना चाहते हो वो डाल दें। फिर इसमें डालेंगे मिंट पाउडर थोड़ा सा, फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। मिंट पाउडर का अगर फ्लेवर आपको पसंद है तो जरूर डालें, इससे रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर इसमें डाल देंगे ये लाल नमक, डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। फिर बूंदी को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए हमारी बूंदी। तब तक ये अभी हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो चुका है प्याज, और टमाटर भी अपना स्किन रिलीज कर चुके हैं। तो अब इसको हम हल्का सा चलाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जार में डाल के इसका एक बढ़िया से स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए बढ़िया से। आप हल्का सा इसे ठंडा करें, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा 5 मिनट में ठंडा हो जाता है। फिर इसमें पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, फिर ये बेसिक से खड़े मसाले, इसको अच्छे से चटकने तक पका लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ये मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें तब तक पका लेना है जब तक ऑयल रिलीज ना कर दे मसाले हमारे अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सारी वीडियोस और रेसिपी पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 बड़े चम्मच के करीब मलाई, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर फ्राई किया हुआ, फिर इसमें डालेंगे 1 कप के करीब पानी ग्रेवी के लिए, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना ग्रेवी आपको पसंद है। फिर इसमें डालेंगे फ्रेश हरा मटर, आप इसकी जगह फ्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, 15 मिनट के लिए पका लेंगे। ये इधर बनाते हैं जीरा राइस, इसमें डाला है घी, फिर थोड़ा सा जीरा, फिर ये बासमती राइस लिया, इनको 2 से 3 पानी से हमने धुल के रख लिया था पहले से, 10 मिनट सोक कर लिया था, ये अभी सोक हो चुके हैं। अब इसमें 1 कप चावल लिए थे तो हम डालेंगे इसमें 1.5 कप के करीब पानी, और डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर लेड लगा के 1 विसल आने तक पका लेंगे। तो ये भी 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी भी बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें डालेंगे ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, फिर कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी क्रीमी और डिलीशियस लग रही है देखने में, और जितनी ज्यादा ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे 4 गुना अच्छी टेस्टी सब्जी है। अगर आपने एक बार इस तरह से बना के खा लिया तो आप और सारे तरीके भूल जाएंगे मटर पनीर बनाने के, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा, ये देखिए कितनी क्रीमी और डिलीशियस बन के तैयार हुई है, कितनी थिक बन के तैयार हुई है, बहुत ही ज्यादा यमी लगते है खाने में। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें हम रायते में देंगे एक बढ़िया सा तड़का, ये भी हमने गरम तेल में जीरा और हींग डाल दिए, इसको रायते में डाल देंगे। बूंदी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, डालने के बाद इससे फ्लेवर बहुत ही स्मोकी आ जाता है रायते का और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको साइड में रखेंगे, अब बना लेते हैं पूड़ियाँ। ये हमने सिंपल पूड़ियाँ बनाई हैं, बस आटे में थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से आटे को गूंथ लिया है, अब इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से फूली फूली हमारी पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम थाली लगा के तैयार करते हैं।
ये हमारी आ गई पनीर की सब्जी, रायता आ गया। अब इसमें रखेंगे हम चावल, फिर इसमें आएगा ये घेवर, हमारे रक्षाबंधन की मिठाई, स्पेशल मिठाई। फिर इसमें थोड़े से सैलेड रखेंगे, फिर ये मिल्क केक आ गया। अब ये मस्त सी फूली फूली सी पूड़ियाँ आ गई, और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी थाली थी, बहुत ही यमी लगती है, बस झटपट से बन के तैयार हो जाती है। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं लाइक भी जरूर करिएगा, जिससे कि हम आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज लेके आते रहें। और आप सभी के लिए हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।